Now we start with an numerical of oblique projectile. Oblique projectile is the one which is thrown at certain angle. जब आप एक प्रोजेक्टाइल कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो एट सर्टेन एंगल तो दिस बिकम्स द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल समथिंग लाइक दिस. हम इसकी पूरी थ्योरी पार्ट कर चुके हैं. फाइन, एक बार सब कुछ ब्रशअप कर लेते हैं. व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल कौन सा पार्टिकल होता है? Projectile is a particle to which we give some initial velocity, at least one component of which is horizontal. अगर एक particle को आप ऐसे throw करते हैं कि at least उसके पास कुछ horizontal velocity जरूर हो, and then it is left under the effect of gravity alone. यानी the only force which acts on the projectile is force by the earth, that is acceleration due to gravity is the only acceleration. So the only force is mg, that is a force by the earth on the object. Jis force se earth us object ko attract kar rahi hai, that is mg. The only acceleration is along the y axis, which is equal to g. There is no acceleration along the x axis. Chahe wo horizontal projectile ho, चाहे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हो, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस नहीं होती. देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में पूरी वेलोसिटी जो हम देते हैं वो हॉरिजॉन्टल होती है. बट इस केस में लेट मी गिव द वेलोसिटी एट सर्टेन, व्हेन वी थ्रो द ऑब्जेक्ट एट सर्टेन एंगल, देन वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जरूरी है बच्चे, बिकॉज दिस इज मोशन इन 2D. तो आपका 2D में मोशन कवर कैसे हो रहा है? अलोंग द एक्स एक्सिस इट इज कवरिंग बिकॉज ऑफ यू कॉस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग हम इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं. एंड अलोंग द वाई एक्सिस हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है इस केस में, विच इज यू साइन थीटा. बट अलोंग द वाई एक्सिस अगर हम वेलोसिटी नहीं भी देते हैं तो भी पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर करते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन. बी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, में यू जीरो हो तो भी तो पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ जाती है. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, में यू जीरो हो तो भी तो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है. सो यू साइन थीटा इज यू वाई, दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस. इनिशियल वेलोसिटी इज यू साइन थीटा. अलोंग द एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी इज यू कॉस थीटा. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. मैं बार बार आपको एक बार समझाती हूँ दैट मोशन इन 2D इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशंस इन 1D. ये 1D एक्स एक्सिस अलग चलेगा, वाई एक्सिस अलग चलेगा. द ओनली कॉमन थिंग इज टाइम. जितनी देर में पार्टिकल O टू A टू B आया, उतनी देर में पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में OB डिस्टेंस कवर कर लिया. तो अलोंग द एक्स एक्सिस द ओनली डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x, which is equal to u cos theta into t. जितनी देर में पार्टिकल ने x y एक्सिस के अलोंग एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर आप इस इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है. तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट इज कवरिंग ड्यू टू द u cos theta. तो sx इज इक्वल टू u cos theta into t एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. And sy will be covered with the u sin theta minus half gt square. इस केस में अगर हम अपनी साइन कन्वेंशन लगाएंगे, ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट हमारी साइन कन्वेंशन के हिसाब से जब उसकी डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो हम g का साइन क्या लेते हैं? नेगेटिव. हम g का साइन नेगेटिव लेते हैं बिकॉज यू हैव थ्रोन फ्रॉम द पॉइंट ए. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वो है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रिस्पेक्ट में किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है तो जी का साइन हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव. देन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये कि ओ से ए उसका वर्टिकल मोशन रिटार्डेड है. अलोंग द एक्स एक्सिस इट इज यूनिफॉर्म मोशन, अलोंग द वाई एक्सिस इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. It is a combination of uniform motion and uniformly accelerated motion.
तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग द वाई एक्सिस, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन। फाइन, तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, ओ टू ए, इसका मोशन रिटार्डेड है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं रहेगी, यू कॉस थीटा चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम थ्रू आउट फ्रॉम ओ टू ए टू बी, आप कहीं भी जाएंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज, वर्टिकल कंपोनेंट ओ से लेके ए तक डिक्रीज होगा, एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इज प्योरली हॉरिजॉन्टल, यू बाई जीरो हो जाएगी, यू बाई मीन्स बी जो है डी बाई हो जाएगा, दैट विल बी जीरो, एंड उसके बाद फ्रॉम पॉइंट ए ऑनवर्ड बी तक आते आते फिर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और उसका वर्टिकल कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है यू साइन थीटा जो ओ पे था वही बी पे आएगा, प्रोवाइडेड ए दिस टू पॉइंट्स ओ एंड बी यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ हिटिंग दे लाई इन द सेम प्लेन, तो जिस स्पीड से पार्टिकल को आपने थ्रो किया था यू स्पीड से उसी स्पीड से ये वापस हिट करेगी एट द पॉइंट बी, मैंने बोला स्पीड से, मैंने वेलोसिटी वर्ड नहीं यूज किया क्योंकि वेलोसिटी सेम नहीं है, स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम क्यों नहीं है, यू कॉस थीटा तो हर जगह वही है बेटा, यू कॉस थीटा उसका तो ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना ही डायरेक्शन चेंज हुई, बट वर्टिकल कंपोनेंट की ओ टू ए पर मैग्नीट्यूड डिक्रीज हुआ, यहाँ जीरो हो गया फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ तो डायरेक्शन भी तो चेंज हो गई, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, तो जिस भी पॉइंट पे आप उसको स्टडी करेंगे उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यू विल सी कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो है वो क्या हो गया, डाउन हो गया, इनिशियली क्या था अप हो गया, अप था, इट मींस इन गोइंग फ्रॉम ओ टू ए टू बी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, सो ये यू कॉस थीटा ही रहेगा और ये हो जाएगा यू वाई एंड बट नाउ दिस इज डाउनवर्ड एंड इट वॉज अपवर्ड, सो एट द एंड ऑफ द फ्लाइट द वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, ठीक है। अब हमारे पास इसमें जो फॉर्मूले आने चाहिए हमें याद होने चाहिए, दे आर ऑफ मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, देन ट्रेजेक्ट्री इसकी पैराबोला होती है, तो ब्लिक प्रोजेक्टाइल के अगर हम सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिस्ट करेंगे तो व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, जल्दी बोलिए मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, हम डिराइव कर चुके हैं, सबसे पहले हमारे पास द पाथ इज पैराबोला, पाथ इज पैराबोला ये थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में आ जाता है, शो दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल पैराबोला शो करने के लिए व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू इज हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी होती है, ठीक है, और वहां पे हमें जो भी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं तो हमारी इक्वेशन बनती है y is equal to x tan theta minus g x square upon 2 u square cos square theta, check it out, the equation आपको याद भी होनी चाहिए, y is equal to x tan theta minus g x square upon 2 u square cos square theta, इसे हम अलग एक और फॉर्म में भी लिखते हैं x into 1 minus g tan theta into 1 minus x upon r की फॉर्म में भी आ जाता है, इसको दोबारा लिखेंगे, then maximum height u square sin square theta by 2g, बच्चा फॉर्मूले याद होंगे तभी न्यूमेरिकल्स होंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज u cos theta into time of flight, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा होता है 2u sin theta by g which is sum of two things, time of ascent plus time of descent, तो time of ascent यानी अब जाने का time भी u sin theta by g और टाइम ऑफ डिसेंट बी यू साइन थीटा बाय जी, टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टी हाफ, टी हाफ का मीनिंग हो गया यू साइन थीटा बाय जी एंड रेंज इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी एंड रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आप यू साइन थीटा यू कॉस थीटा अलग अलग कर लीजिए,
साइन थीटा को अगर खोलेंगे तो रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा u स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g. सो आप इसको 2 इंटू यू साइन थीटा अलग करेंगे, u कॉस थीटा अलग करेंगे, डिवाइडेड बाय g करेंगे. सो दिस कम्स आउट टू बी 2 यू एक्स यू वाई बाय g. सो रेंज इस फॉर्म में भी हमें कई बार चाहिए होती है. फाइन, तो फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है. हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो जीरो होता है. इसी कंसेप्ट को यूज करके हमने मोस्टली इक्वेशंस डिराइव की हैं. बी वाई इज इक्वल टू जीरो, यही कंसेप्ट यूज करके हमने बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh करके और हमने निकाल लिया था एच. तो एच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा. टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय g. कैसे याद करने हैं और देखिए ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए. रेंज इसी को तो खोल के हमने इस फॉर्म में लिख दिया. u sin थीटा इज u y, u cos थीटा इज u x. सो समटाइम्स वी नो y कंपोनेंट ओनली तो हम इस फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं. सो इट इज 2u x u y बाय g. फाइन, इज इट क्लियर टिल नाउ? नाउ वी कम टू द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट पहले सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, वो छोटा सा इन फॉर्मूले से लिंक जो के हो जाएगा. फाइन, वी वाई जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें बहुत जगह हेल्प करता है. सो एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट हाईएस्ट पॉइंट. क्योंकि हॉरिजॉन्टल ही बचा था सिर्फ, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज देयर. तो जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में क्या हो गए बच्चे? परपेंडिकुलर. और वेरी कॉमन मनमार्क क्वेश्चन है, व्हिच पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट आई तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर. ठीक है, सो नाउ सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे. द सेकंड क्वेश्चन सेज अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी ई. तो यहाँ पे हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है? काइनेटिक एनर्जी ई. अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद सम वेलोसिटी यू, तो उसकी इनिशियल एनर्जी क्या दे रखी है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर जो होती है दैट इज ई. शो दैट द पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होगी बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच. पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच. सो वॉट इज एच? एच इज द मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. सो जी एंड जी विल गेट कैंसिल. इसमें से आप हाफ एम यू स्क्वायर अलग कर सकते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा. सो वॉट इज हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू ई. सो दिस बिकम्स ई साइन स्क्वायर थीटा. ऑलवेज रिमेम्बर दैट योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ द थिंग्स विच आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमें ई दे रखा है, ना एम गिवन है ना यू गिवन है बच्चे. तो आई कैन नॉट राइट हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू हैव टू राइट ई. फाइन, एंड थीटा हमें गिवन है. कभी भी आपका आंसर जो होगा दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर व्हिच आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. फाइन, थीटा गिवन है और हमें ई गिवन है, सो माय आंसर विल बी ई साइन स्क्वायर थीटा. सो नेक्स्ट अ प्रोजेक्टाइल, फर्स्ट क्वेश्चन रादर नाउ देखिए. अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी एक्स आई प्लस वाई जे. इनिशियल वेलोसिटी इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. व्हाट डज इट मीन बच्चे? दिस मीन्स अगर हम वेलोसिटी एज अ वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ना यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप. किसी भी वेक्टर के जो दो कंपोनेंट होते हैं वो एक्स और वाई है. तो अगर हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो इट कम्स अप टू बी यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप. इट मीन्स यू एक्स, जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो मेरा क्या है? एक्स, which is actually u cos theta. Fine, and u y हमें क्या दे रखा है? y, which is equal to u sin theta. जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे.
बट इस इक्वेशन से सीधा सीधा मुझे ये पता चल रहा है कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट एक्स है और वाई कंपोनेंट वाई गिवन है. मुझे वैल्यूज नहीं गिवन, मुझे यू कॉस थीटा नहीं गिवन, बट वी हैव बीन गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. नाउ ही सेज फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल नहीं, फाइंड नहीं है सॉरी. द नेक्स्ट थिंग इज गिवन, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट. ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में कि रेंज इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट. यानी अगर ये आपके पास कोई भी प्रोजेक्टाइल था तो इसकी रेंज जो है ये इसकी मैक्सिमम हाइट से डबल है. तो रेंज इज ओबी एंड हाइट इज ए सी. तो ये हमारे पास ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन के हिसाब से आर इज इक्वल ट्वाइस ऑफ टू एच. यानी ये अगर मेरा आर है तो ये ए सी जो हो गया वो टू आर हो गया. सॉरी, दिस इज एच. रेंज इज ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम हाइट. सो ए सी अगर एच है हमारे पास बच्चे तो रेंज जो हो गई वो टू एच हो. रेंज इज ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम हाइट. हमें वैसे इस फिगर की भी जरूरत नहीं है बच्चे, हमें सीधा फॉर्मूले लगा दिया. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज. What is the formula for range? अभी हमने लिखा था रेंज का फॉर्मूला क्या था. U square sin 2 theta. जी, and दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको रेंज का बताया था. That was 2 by g into ux into uy. क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे मुझे थीटा नहीं गिवन है. That is what I'm trying to tell you. हमें अगर हम रेंज यूज करें u square sin 2 theta, तो I don't know what is theta. But मुझे as it is ये पता है कि horizontal component of velocity ux है और vertical component of velocity uy है, which is x and y respectively. Fine. It means ux की जगह I can write x and uy की जगह I can write y. लिख सकती हूँ मैं. This is range. And range is given to be twice of maximum height. So what is maximum height? Maximum height is u square sin square theta by 2g. इसका भी बल्कि आप एक दूसरी फॉर्म में फॉर्मूला याद रखिए. What is u square sin square theta? It is u y square. Can I write it like this? So, height का भी आप एक फॉर्मूला ये याद रखिए, u y square by 2g. Fine? It is easier to remember in this form. बजाय इसके अगर आप पिछले फॉर्मूले की लिस्ट देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, ये साइन 2 है, ये u sin theta है. तो अगर आप इन सबको वर्टिकल कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया मेरा u y square by 2g. It is more convenient to remember it like this. And this is 2uy by g. अगर अब आप रेंज को और टाइम ऑफ फ्लाइट को कंपेयर करेंगे तो रेंज इज 2ux uy by g एंड टाइम इज 2uy by g. यानी सिर्फ आप इसके साथ ux मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेंज मिल जाएगी. होता भी वही है, इट इज u cos theta into टाइम ऑफ फ्लाइट. फाइन, बट टू रिमेंबर द फॉर्मूला, टू रिमेंबर h इज uy square by 2g. Range is 2ux uy by g. Time of flight is 2uy by g. It is more convenient to remember the formula in this form. But uy आपको पता होना चाहिए, it is u sin theta and ux is equal to u cos theta. ठीक है बच्चे? तो अब आप आएंगे क्वेश्चन पे. So I think you will be able to do it. So this is nothing but 2 by g into x into y. एंड 2 इन टू बोथ साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल. जी और जी भी हमारा बोथ साइड पे क्या हो गया, कैंसिल. और यू वाई वॉज बेसिकली इक्वल टू वाई. तो दिस इज वाई स्क्वेयर बाय 2. तो वाई एंड वाई गेट्स कैंसिल. हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो वाई बाय एक्स. सो दिस मीन्स वाई बाय एक्स इज इक्वल टू 2. Which means vertical component is twice of horizontal component. Is this point clear to you? कुछ नहीं करना क्वेश्चन में. गिवन था यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई एन जे.
तो आई जे से हमें ये पता चल गया कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या है. देन वी हैव बीन गिवन वन कंडीशन, रेंज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम हाइट. अगर आप नॉर्मल फॉर्मूले भी डालते रेंज के और हाइट के तो भी ये हो जाएगा, करना तो कुछ नहीं है. दिस इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा, तो टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी करके फिर वापस यू साइन थीटा दोनों तरफ से आपका कैंसिल हो जाएगा. ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी. अगर आप वैसे भी डायरेक्ट इक्वेट करते हैं तो साइन थीटा कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल, जी जी कैंसिल, बट देन यू विल बी लेफ्ट विद कॉस थीटा. एंड यू नो दैट कॉस थीटा इज प्रैक्टिकली जो यू कॉस थीटा था वो हमारा किसके इक्वल था, वाई के. सो इट्स बेटर टू यूज दैट फॉर्मूला देन दिस फॉर्मूला. फाइन, सो नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन. A projectile has a range of 50 meter, reaches a maximum height of 10 meter. What is the elevation of the projectile? करके दीजिए जल्दी से. Very simple question. A projectile has a range of 50 meters. It means range is 50 meter. A projectile has a range of 50 meter. Fine. Then it reaches the maximum height of 10 meter. It reaches the maximum height of 10 meter. What is the elevation of the projectile? What is the elevation of the projectile? Elevation means angle of projection. So simply you have to use the formula. Put the formula and find out angle theta. Hurry up. So first what you do is u square sin square theta by 2g से आपको u square sin square theta मिल गया 20g. इसका अंदर रूट करेंगे तो u sin theta मिल गया root 20g, that is root 200. In case g 10 देती हूँ मैं, ये मुझे vertical component of velocity मिल गया बेटा. हमें elevation का मतलब क्या है, theta चाहिए. थीटा मुझे मिल जाएगा अगर मुझे वाई कंपोनेंट मिल जाए वेलोसिटी का और एक्स कंपोनेंट मिल जाए. जब हमें वाई कंपोनेंट मिल गया बच्चे तो अब आप रेंज के फॉर्मूले में डालेंगे आर इज 50 इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी. तो साइन टू थीटा को अगर आप तोड़ते हैं तो टू साइन थीटा कॉस थीटा आ जाता है बच्चे. सो इट इज टू इंटू यू साइन थीटा which is vertical component into u cos theta which is horizontal component by g. Fine. तो ये मेरे पास 50 500 आ गया. So what is this 500? 500 upon 2 is equal to u y into u x. तो u y तो आप निकाल चुके हो, sin theta की वैल्यू तो मेरे पास है root 200, ठीक है. और u cos theta मुझे मिल जाएगा. तो यहाँ से आपको u cos theta मिल गया बच्चे. तो u cos theta is 500 upon 2, root 200 is 2 root 2 into 10. So 10 का एक component आपका ये cancel हो जाएगा, 25 upon root 2 आ गया, which is your u cos theta. तो बच्चे जब हमें u cos theta मिल गया, u sin theta मिल गया, तो आप divide कर दो, tan theta मिल जाएगा. एलिवेशन का मतलब क्या है तो चाहिए. तो tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट विच इज u sin थीटा अपॉन u cos थीटा. तो u sin थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू रूट 200 एंड u cos थीटा इज प्रैक्टिकली 25 अपॉन रूट 2. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी, इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा,
ये हो गया टेन रूट टू, टेन रूट टू एंड रूट टू, ट्वेंटी, दैट इज ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी फाइव इज फोर बाय फाइव एंड फोर बाय फाइव मस्ट बी इक्वल टू पॉइंट एट एंड पॉइंट एट की एग्जैक्ट वैल्यू 37 होती है बेटा, इट शुड बी 37। आपको मैंने पहले भी बताया था कि यू नीड टू रिमेम्बर टू मोर एंगल्स अदर देन जो आपको स्टैंडर्ड याद रहते हैं 30, 60, 45, उनके अलावा हमें जो और एंगल चाहिए वो 37 और 53 चाहिए। साइन 37 इज 3 बाय 5, कॉस 37 इज 4 बाय 5, साइन 53 इज बेसिकली इक्वल टू, या वैल्यू चेक कर लीजिएगा, 0.8 tan थीटा की वैल्यू 0.8 चेक करो किसके लिए आएगी।